ये 10 दिन मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे मेरी ज़िंदगी के। आई गेस आज तक मैंने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना, आपको लग रहा होगा ये राजन लूथरा को टेम्परेचर हुआ होगा, इसलिए 10 दिन से राजन लूथरा इज़ नॉट व्लॉगिंग एंड 10 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं आई लाइव, और इंस्टाग्राम पे मैंने आके स्टोरीज नहीं डाली कोई आपके साथ बात करने के लिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसा नहीं था, क्या था वो ज़रा देख। इंसान हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम के साथ टैकल करता है एंड हर रोज़ लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। आज मुझे ये ब्लॉग स्टार्ट करना नहीं था, आई एम फीलिंग वेरी लो बिकॉज जब मेरी लाइफ में मेरे जो क्लोज वंस हैं उनके साथ कुछ हो रहा होता है या मेरी लाइफ में कुछ हो रहा होता है तो मुझसे ना कैमरा के आगे आगे बुला जाता है और ना ही काम होता है। आई नो ये सबके साथ होता होगा, मेरे अकेले के साथ नहीं, बट मेरे साथ कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि मुझे चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जब वो मेरी फैमिली पे या मेरे पे आती हैं। ये गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हुआ क्या है कि परसों से मम्मा को बुखार था तो परसों मम्मा को मेडिसिन दी थी एंड शी वॉज टोटली वेल, कुछ नहीं हुआ था। देन कल भी सारा दिन बुखार नहीं था, कल रात को मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा था मम्मा थोड़े सुस्त हैं, तो मैंने चेक किया तो उनको 101 बुखार था। तो रात को मैंने मेडिसिन दी, पट्टियाँ वगैरह की ठंडे पानी की, बट द थिंग इज़ बुखार कम तो हुआ अभी जब सुबह चेक किया, बट ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा। तो अब डर ये है कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं उनके पास किसी सजेशंस के लिए जाओ तो वो फालतू में ही आपको डरा सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स नॉट ऑल बट कुछ। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि ये चीज़ हो ना, तो इस डर से मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए, बट आजकल के दौर में डर तो ऐसे लग जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अभी मैं टेस्ट करवा के आया हूँ, रिपोर्ट 12:30 बजे मिलेगी, अभी 11:45 हुए हैं, मैं बैंक जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मम्मा के लुधियाना भी अपॉइंटमेंट थी, पापा की भी अपॉइंटमेंट थी, बट बीच में ये एक और इशू आ गया। इस बात का डर था, डर वही निकला, मम्मा के जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़े ख़राब आए हैं, हीमोग्लोबिन भी कम है, पेट में इन्फेक्शन है, प्लेटलेट काउंट्स कम हुए हैं। जिस चीज़ का हमें एक्चुअली डर था वो चीज़ नहीं है, इसके बारे में आजकल हाइप बनी हुई है, उसका चक्कर नहीं है, पेट की इन्फेक्शन थी और थ्रोट की इन्फेक्शन है। तो अब देखता हूँ, डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेज दी हैं, मेडिसिन आज लेके आऊँगा और अभी लुधियाना जाना है, तो देखता हूँ आज जाना है या कल जाना है, उसके बारे में भी विचार करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मम्मा को ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए इस हालात में, बट लेट्स सी। रुको, ज़रा रुको, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, मैंने जब टेस्ट करवा लिए टेस्ट थोड़े ख़राब आ गए तो फिर मैं लुधियाना नहीं गया और मैं मम्मा को घर पर रख लिया, ना 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 रुको, चीज़ बहुत आगे हो गई। इसके बाद मैंने जब डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी, डॉक्टर सेड के बेटा आप एक बार चेस्ट का एक्सरे करवा के आओ। मैं नॉर्मल, मैं क्या ठीक है, कोई हो सकता है खांसी मम्मा को है तो हो सकता है उनको चेस्ट का इसलिए एक्सरे करवाना हो, मैं चेस्ट का एक्सरे कराने चला गया। चेस्ट का एक्सरे होके आया और उसके बाद जो चीज़ आई ना, उस चीज़ ने ये पूरे 10 दिन मेरे डिस्टर्ब किए। रिपोर्ट वॉज नॉर्मल बिकॉज मुझे उन्होंने रिपोर्ट नहीं बताया, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि चेस्ट के एक्सरे में कुछ खराबी आई है, ही सिंपली सेड मी के बेटा लिवर का टेस्ट करवा के आओ और अभी मतलब जस्ट अभी जाओ और सिविल हॉस्पिटल से कोरोना टेस्ट करा के आओ। दैट वॉज लाइक शॉकिंग फॉर मी के एकदम से ना मुझे उन्होंने बताया कारण ना कुछ, तो मैं कोरोना टेस्ट क्यों करवा के आऊँ, वाई? बिकॉज आपके वहाँ का पता नहीं मुझे, जहाँ आप रहते हो दिल्ली बॉम्बे कहीं भी दुनिया में, बट हमारे पंजाब में एक ऐसा चल रहा है अगर कोई बंदा नेगेटिव भी है उसको भी पॉजिटिव किया जा रहा है, बहुत तगड़ी सियासत चल रही है, चीज़ मैं कहूँगा। आपके वहाँ का पता नहीं बट हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। दूसरी थिंग, एक मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताई थी, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, ठीक है, मेरे से सीनियर है वो बंदा, तो उसने मुझे बताया था कि राजन जब भी हमें वायरल फीवर होगा ड्यूरिंग दिस मतलब सीज़न, ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है इसके दौरान, तो जब भी हम टेस्ट करवाने जाएंगे 90% चांसेस है कि वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो चीज़ें कोरोना में होती हैं जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वो चीज़ें जब हैं हमें तो वो टेस्ट में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। तो मैं
ये चीज़ सुन के जब उन्होंने कहा कि टेस्ट करवा लो, मैं तो ही इसके हक में नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। चाहे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि पापा की एज थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर बाई चांस रब ना करे टच वुड कभी मम्मा को ये चीज़ हो या किसी को भी हो तो ये निकली, तो फिर डैड के लिए ख़तरा होगा। वो मैं कम्प्लीटली उनकी कंसर्न समझ गया जो थी, बट मेरे अंदर एक दिल था जो ये चीज़ नहीं मानने को राजी था कि मैं ये टेस्ट करवाऊँ। तो मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया लुधियाना जाने का, बट ऑल ऑफ द सडन मैंने कहा नहीं, मैं दो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर से और कंसल्ट करूँगा, उसके बाद आई कैन डू दैट टेस्ट। बिकॉज मैंने जितनों से भी उस टाइम कॉल करके पूछा कि मुझे ये डॉक्टर ने बोला है टेस्ट करवाने लगे, सब ने मना कर दिया कि टेस्ट करवाने नहीं जाना। मैं लुधियाने गया, लुधियाना मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, पहले पापा को दिखाया, देन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, उनको सारी रिपोर्ट दिखाई। ही सेड बेटा दिस इज़ जस्ट अ वायरल फीवर जो आपके थ्रोट की इन्फेक्शन की वजह से है, और मम्मा को मैंने दो दिन से पैरासिटामोल्स दी थी, ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ क्या, मम्मा के प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए थे, जो सेल्स होते हैं वो कम हो गए थे, और उस वजह से सेल कम हो गए और थोड़ी इन्फेक्शन हो गई। एक वायरल फीवर है, इसमें कोरोना टेस्ट कराने का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं बनता। ही सिंपली आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्डिंग, डॉक्टर ने मुझे कहा था शी इज़ सिटिंग परफेक्टली फाइन, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस। उस दिन आई वॉज लाइक ओके ठीक है, अगर यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो हमें ये चीज़ नहीं करवानी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये मेडिसिन दो तीन दिन फ़र्क पड़ जाएगा। बाद हम गए मम्मा के थंब वाले के पास, थंब वाले को दिखाने, उसने क्या कहा ज़रा वो देखो। अब हमने मम्मा नू ऑर्थोपेडिक को दिखा के आया मैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा इतने एक वेन होंगी है, मे बी वो टूट सकती है, आप श्योर नहीं हजे, तो उन्होंने 3 हफ्ते की मेडिसिन लिख दी। वो कहते जो 3 हफ्ते बाद फर्क नहीं पैंता दैन यदा इको इलाज है, वो है ओपरेट, तो फिर ओपरेट कराना ही पेगा। वो तो बिना वो जी एम वाली फंक्शनिंग वर्क नहीं शुरू होगा। हजे उन्होंने मेडिसिन दी है 3 हफ्ते की, तो 3 हफ्ते तो बाद देखते हैं कि प्रोसीजर आता। उन्होंने कहता जो 3 हफ्ते बाद फर्क ना लगे तो बेटा ये MRI करा के ही मेरे को आना है, जी उन्होंने एक नवी लिखी है। सो देखते हैं हूँ की बनता, बाकी अज मम्मी वैसे भी बड़ी डरी हुई है। दिस इज द नैक्सट डे राइट, आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, क्योंकि मम्मा के सेल्स कम हुए हुए हैं आपको पता है, तो जो फ्रूट्स हैं वो जैसे कीवी हो गया, पपाया हो गया, मौसमी का जूस हो गया, इससे सेल्स बहुत जल्दी बिल्डअप करते हैं, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। मॉम इज़ डूइंग क्वाइट वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी उनको, शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि ऐसे वो ठीक रहें। बाकी आगे का प्रोसीजर क्या होता है थोड़े दिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बट अभी के लिए सब अंडर कंट्रोल है। ब्रो व्हाट्सअप मैन, फ्रूट्स वगैरह सब ले आया उनके लिए, तो आपको ये ब्लॉग एक मिक्स हो के मिलेगा कि इज शी फाइन और नॉट, और वो जो कोविड का टेस्ट है वो करवाने तक की नौबत आई या नहीं आई, और शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, आपको सब एक मिक्स करके ब्लॉग में बताऊंगा। ट्रस्ट मी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ब्लॉगिंग करने का, बट द थिंग इज मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, आपको मेरी हर चीज़ पता रहती है, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, तो इस टाइम में भी मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, 3 दिन से यू कैन से मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ, ना ही मैंने अच्छे से खाया है। मैं आपको अपनी कंडीशन अभी समझा नहीं सकता, अरे उन्होंने कितने लोग समझेंगे नहीं, बट मेरी कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी है। एनी हाउ एक चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अभी कुछ दिन मुझे मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनका ख्याल रखना है, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। अब एक दिन निकल गया जिस दिन मैं मॉम को दिखा के आया थर्सडे को, एंड फ्राइडे को जब ये मॉम के लिए मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आया, सब कुछ लेके आया, फ्राइडे को शाम को 5:30 बजे डैड को फीवर हो गया, एंड मेरी फट के हाथ में आ गई कि व्हाट द एफ इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन। पहले मॉम को था, अब डैड को हो गया, और तब मॉम को भी थोड़ा थोड़ा था और डैड को भी कहीं ना कहीं 99.5 चला गया, फिर 100। देन अगेन आई कॉल्ड दैट डॉक्टर जो DMC वाले थे कि सर दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाई ही वाज सो पॉजिटिव, ही सेड बेटा इट्स जस्ट अ वायरल, वो होगा तो डोंट वरी। मगर ठीक है जी, मैंने पापा को दवाई दी, उन्होंने जो बोली मैं डैड को दवाई दी। फ्राइडे तक डैड वॉज ओके, मतलब डैड वॉज इन हिज सेंसेज एंड डैड ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। अब बात आई सैटरडे की, सैटरडे को मम्मा का बुखार 98.8 पे आ गया, लगभग उतरने वाला था, ठीक है, और डैड का बुखार 101 पे चला गया। एंड सैटरडे को डैड का बुखार इतना हो गया कि उससे डैड का BP लो हो गया, लाइक मेरे डैड का कभी भी BP 110/70 नहीं जाता, हमेशा 130/85 और 90 रहता है,
उनकी बॉडी को इतना मतलब इतना रहते रहता है उनकी बॉडी में। तो जब ये बीपी डाउन हुआ माय डैड जस्ट लाइक ही इज़ नॉट हिज इन सेंसेस, वो फेंट हो गए थे एक हिसाब से, मतलब उनको होश नहीं थी कि क्या हो रहा। एंड मैं बहुत डर गया कि ये कैसे हो गया। देन मैंने उनको मतलब उनकी जो ब्रेन की मेडिसिन है वो एक दो दिन बंद कर दी कि ये नहीं देनी, क्योंकि उनसे भी ब्रेन रिलैक्स होता है, बीपी थोड़ा नीचे आता है तो उससे और नीचे आ जाएगा। देन मैं डैड को बीपी थोड़ा कंट्रोल किया, बीपी ठीक हुआ। देन संडे आया, संडे को डैड को मेडिसिन देता रहा एंड डैड इज़ ओके, पापा ठीक हो गए, पापा का बीपी नॉर्मल हो गया और बुखार भी नॉर्मल होना शुरू हो गया। कहानी यहाँ भी नहीं ख़त्म हुई दोस्तों, यहाँ भी नहीं ख़त्म हुई। मंडे को तुम्हारा भाई फीवर हो गया और मुझे आज भी है थोड़ा सा, अभी मैंने चेक किया था 98.8 आया, शुरू में ही आपको बताया। तो ये एक वायरल था जिसने पूरे 10 दिन मेरा पूरा घर हिला दिया, मेरी मेंटल हेल्थ हिला के रख दी, मेरे को अंदर से हिला के रख दिया। और डॉक्टर ने बोला था एक कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, उसकी टेंशन ने, उसके प्रेशर ने, वो सोचने के प्रेशर ने मेरा पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। आप कभी भी किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करो, आपको हमेशा चीज़ का वेट करना चाहिए, आपको हमेशा उस चीज़ की एक डबल क्रॉस के लिए चेकिंग कहीं और करनी चाहिए। एंड वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए ये चीज़ कही थी कि करवा लेना चाहिए, बट मैं इसके हक में नहीं था क्योंकि मेरी मॉम को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट उनकी सेफ्टी थी, मेरे लिए वो एक टेंशन थी बहुत बड़ी। बिकॉज मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्यों होना है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किस इशू पे उन्होंने किस लाइक किस बिहाफ पे ये चीज़ बोल दी है। एंड आई डोंट नो दैट रीज़न, बट आई विल आस्क हिम एक दो दिन में, आई विल आस्क हिम, मिलूँगा मैं उनसे बात करने के लिए। विद द ग्रेस ऑफ गॉड माई मॉम इज़ वेल, माई डैड इज़ वेल, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग वेल। आप सबके से एक हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, अगर आपको फीवर है या आपके यहाँ पे गले में खराश हो रही है तो गाइस फीवर की दवाई लो पहले घर पे फर्स्ट एड, गले की खराश के लिए गर्म पानी पियो और जितना हो सकता है रेस्ट करो। और अगर आपके सेल्स कम हो गए हैं तो गोट मिलक यानी कि बकरी का दूध पियो, मौसम्मी खाओ, कीवी खाओ, ड्रैगन फ्रूट खाओ, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। विटामिन सी विटामिन डी जितना ले सकते हो ले लो, बिकॉज इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी और आपको अंदर जो आपकी प्रॉब्लम है उससे लड़ने की ताकत मिलेगी। ये 10 दिन मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे मेरी ज़िंदगी के, आई गेस आज तक मैंने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना, मैं सब में डरा हूँ, बट इस प्रॉब्लम में मैं बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा। बिकॉज मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मुझे इतना कोई पैसे से लगाव नहीं है। ठीक है, पैसा सबको पसंद होता है, पैसा सबकी ज़रूरत है, उतनी मेरी भी है, बट मेरे पास जो चीज़ है वो है मेरे माँ बाप, मैं उनको नहीं खो सकता, मैं किसी भी लाइक कॉस्ट पे मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। आई होप आप भी सभी सोचते होंगे, आपके साथ भी यही फील होता होगा। तो इसलिए वो 10 दिन मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, एंड आज थोड़ा ठीक है। एंड आज हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव ही है, तो आप सबको उसकी बहुत बहुत मुबारकें। रब थानू सारे नु चढ़दी कला च रखे, तुसी सारे ठीक रहो। एंड दिस वॉज द मेन रीज़न आई वॉज नॉट व्लॉगिंग फ्रॉम पास्ट 10 डेज, क्योंकि कितना डर के और इतना ब्रेन पे प्रेशर लेके मेरे से काम होता नहीं है। तो अब जब मेरे मम्मा ठीक हैं, डैड ठीक है, मैं थोड़ा सा इतू सा बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँगा, नो डाउट, अब व्लॉग्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप सब ने मुझे DMs किए, मुझे मेल आए, जब मुझे कोई मेल आता ना मुझे बड़ी खुशी होती, मैं कहा हाय ओए मेल आया मेरे को, मुझे मेल्स आए, DMs आए, मुझे आप लोगों ने मेरे YouTube पे वीडियोस के नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए कि पाजी भाई नॉट व्लॉगिंग। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू है इतने प्यार के लिए, और थैंक यू सो मच। आई नो शायद ये व्लॉग आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट मुझे आपके साथ शेयर इसलिए करना था क्योंकि मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे था कि एक मेरी लाइफ का जो फेस है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ और आपको एक्सपीरियंस ज़रूर दूँ कि गाइज़ अगर आपको वायरल फीवर है या आपका सिर्फ बुखार है तो प्लीज़ सीधे टेस्ट करवाने मत भाग जाना, घर पर एक दो दिन फर्स्ट एड दे के देखना, और अगर ना ठीक हुए देन जाना। विद दिस आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, आगे फॉरवर्ड कर देना उन दोस्तों उन भाई बहनों के साथ जिनको ये वायरल फीवर हो सकता है और आपको लगता है कि वो ये चीज़ देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, हंसते बसते रहो, आप सारे उन छड़ी क्लास रखे थे खड़े का आगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो भूल ही गया, ये वायरल फीवर एक्चुअल में मुझे हुआ कहाँ से, वो हुआ है यहाँ से। एक्चुअली मुझे ना फीवर लग रहा है।
वीर करो बाहर निकल। ये पाजी हमको वायरल फीवर दे के गए उस दिन। वो मेरे घर वालों तक ही नहीं रहा, वो प्रभ को भी हो गया, प्रभ के दीदी को भी हो गया और प्रभ के मम्मा को भी हो गया। अब वो भी सब ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बस आपको बताना था कि ये वायरल फीवर शुरू कहाँ से हुआ।